प्रदेश में जहां एक तरफ लोग आपदा की वजह से मची तबाही से जूझ रहे हैं, तो वहीं चोर आपदा में अवसर तलाश कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जोगिंदर नगर के वार्ड 2 का है, जहां चोरों ने करीब 12 झुग्गियों में तोड़फोड़ की और पालतू कुत्ते को भी तेज धार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। चोरों ने झुग्गियों में टीवी, सिलेंडर, एलईडी सहित घर में रखी नकदी पर भी हाथ साफ किया। तो आपको चोरी का पता कब चला? बस आज ही चला है, सुबह। तो आप यहीं रहते हैं कि? पंचरू की रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या सामान चोरी हुआ है आपका? देख लो साहब, कुछ नहीं छोड़ा है, सब ले गए, मशीनें, एलसीडियां, खाने के बर्तन बुर्तन सब ले गए, कुछ नहीं छोड़ा, पंखा पुंखा बर्तन बुर्तन सब कुछ नहीं छोड़ा है। तो कितनी झुंगियों का सामान चोरी हुआ है? कम से कम तो 6-7-8 झुंगी है जी। हाँ जी। तो आपको जैसे सुबह पता चला तो आप यहाँ आए? हाँ, भाई है मेरे। अच्छा। हाँ, सारे भाई है, क्या करना। तो आपके सामने ही चोरी हुई है? नहीं, नहीं, हमारे सामने नहीं, हम तो आए तब तक हो गया सब कुछ है। जी। हाँ। तो क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या मदद चाहते हैं आप? अब क्या मदद चाहते हैं साहब, उनको आगे शुरू और आगे नहीं करे किसी के बेचारे की, हमारी तो चल ले गए, अब क्या करें बताओ आप। अब वो है ही नहीं धनी, तो मैं क्या करूँगी, मम तो रहते पंजरू की जी। अब उनके साहब ऐसी धुलाई करें वो जिंदगी में याद रखे बस जी, यही होता बस, और तो क्या करें। तो यहाँ पर कुत्ता भी मारा हुआ है? कुत्ता क्या? भी मार दिया, कुत्ता पाला हुआ था, दरार से मारा। हाँ, पाला हुआ था कुत्ता जी, दरार से मार दिया कुत्ते को भी जी, क्या करें। बगीची तो विस्तृत जानकारी? ओ, जानकारी हमने तो सुबह देखा था, सारी रात बरसात थी, तो बरसात में क्या पता वो सारी रात ही डोए चोर आए थे, सारा सामान ले गए जी, सारे टेंट में ले गए, कुकर वगैरह सारा सामान ले गए जी, सारा ले गए। तो गहने गुने तो नहीं थे? नहीं, गहने गुने नहीं थे, सामान नहीं था, गहने गुने थोड़े से रखे थे, नहीं वो थोड़े बहुत पैसे थे, कितने कुछ ऐसे थोड़े बहुत क्या पता अंदर थे, उसके भाई है नहीं ऐसे, उसके वो तो घर गए हुए, हमारे को ऐसे क्या पता, इतना बहुत सामान था उसके घर में। देखो एक एक चीज ढूंढ के खाली, सब बैग बुक सब खाली कर दिए, कुछ नहीं छोड़ा है, कोई चीज नहीं छोड़ी है, बस एक गैस चूल्हे के वो नहीं होते ढक्कन, वो भी लेके निकाल निकाल। बताया जा रहा है कि झुग्गियों में रह रहे प्रवासी लोग राजस्थान मूल के हैं, उनकी गैर मौजूदगी में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पीड़ितों के रिश्तेदार, राजस्थान मूल के अन्य लोगों ने दो चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और पूछताछ जारी है। बता दें कि जोगिंदर नगर में बीते 2 माह में ही 2 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें पेश आ चुकी हैं। कान सिंह जी, मैं पंचरू की रहता हूँ, ये हमारे रिश्तेदार है, तो यहाँ पे आया, हमें फोन आया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, ये पड़ोसी है, इन्होंने देखे होंगे, इन्होंने फोन किया कि भाई आपकी झुग्गियों में कुछ ये हो रही हलचल, फिर बेचारे भागे सारे, फिर उनको यहाँ पकड़ भी लिए, पर फिर भी सर कुछ छोड़ा तो कुछ भी नहीं, वो बोल रहे हम 7 दिन से सामान आपका ढो रहे हैं, बोले पुलिस में बयान दिए होंगे उन्होंने कि 7 दिन से सामान ढो रहे हैं, एक भी झुग्गी में कोई सामान नहीं छोड़ा है, जो भी काम का सामान था सारा ले गए साहब। अब सर देखो, इतना गरीब आदमी है, पखे भी, टीवी भी, एलसीडियां थी इनका, जो भी सामान मशीनें थी, जो मशीन लेंटर तोड़ने वाली मशीनें, जो सरिया काटने वाली, मिस्त्रियों के काम करते हैं, चुनाई का मिस्त्री का, तो कोई भी सामान नहीं छोड़ा इन्होंने सर, काम का सामान, एक भी कपड़े तक फाड़े हुए पड़े हैं, बेड तोड़ दिए इन्होंने, हर चीज़ तोड़ के सब फेंक दी, कोई भी एक भी काम की चीज़ नहीं रखी इन्होंने। अब सरकार से यही निवेदन है कि साहब कुछ इनका किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, पकड़े तो गए हैं, एक जो अपने वो बोलते हैं साथ में ही है, लेने वाला भी सामान पकड़ा गया और जो बेचने वाले भी पकड़े गए, और प्रशासन से यही निवेदन है कि कुछ थोड़ा किया जाए, कुछ गरीब आदमियों का सोचा जाए कुछ। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।